Hi guys, myself Mintu and you are watching comedy. Understood बात है पर बोलनी पड़ती है. अभी देखिए लॉकडाउन जब से लगा था सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया. पहले ये इंसान लोग पिकनिक मनाने के लिए अपना कैमरा उठाते थे, वहां जंगल में जाते थे वीडियो बनाने के लिए, और जितने भी जीव जंतु और जानवर हैं सब बेचारे अपने अपने बिलों में घुस जाते थे. और अब देखिए लॉकडाउन में सारे जीव जंतु जानवर शहरों में आए हुए हैं और ये इंसान लोग ये अपने अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं. अभी न्यूज में आ रहा था नोएडा में शेर आ गया. असल में वो अपनी भड़ास निकालने के लिए आया हुआ था. ये जो डिस्कवरी चैनल और बाकी के चैनल कैमरा लेके जाते हैं ना जंगलों में, उनको ढूंढ रहे आया था. अभी एक चैनल के सामने शेर खड़ा होकर गालियां निकाल रहा है. सालों बाहर निकलो, कैमरा लेके आओ, हमारी आदतें खराब करके कहां घुसे हुए हो लॉकडाउन में. बाहर निकलो, अब हमसे जिया नहीं जाता. मैं जंगल में वैसे जा रहा होता हूँ, पीछे से कैमरा लेके आ जाते हो. देखिए अपने शिकार की तलाश में जा रहा है. सालों शिकार की तलाश में नहीं जा रहा होता, जगह की तलाश कर रहा होता हूँ. यहाँ पर तुम जैसा कोई हराम खोर ना हो कैमरा लेके, और वहां पे अपनी मैं शेरनी को बुला के उसके साथ कुछ गपा गप कर सकूं. हराम खोरो, ब्रेकिंग न्यूज देते रहते हो. शेर खत्म हो रहे हैं, इनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, बाघों की गिनती कम रह गई है. तो सालों प्राइवेसी तो देते नहीं, गिनती बढ़ाऊं कैसे. गपा गप करेंगे तो आबादी बढ़ेगी, मैं क्या फूंक मार के छोटे छोटे शेर पैदा कर दूं. अच्छा कुत्ते बड़े परेशान हुए पड़े. कुत्ते आपस में मीटिंग कर रहे हैं. एक कुत्ता बोल रहा है, यार पहले लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी ना लॉकडाउन से पहले. मतलब किसी की गली में जाते थे, आगे से भाई मोटी मोटी गाली निकालते थे, सुन के मजा आता था, लगता था यार कितने कुत्ते हैं हम. अब तो साला कोरोना की वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकलता. यार पहले तो मैं किसी के घर के आगे सिर्फ बैठ जाता था ना, तो बाहर आके ये इतनी मोटी मोटी माँ बहन की गाली निकालते थे, ऊपर से ऐसे डंडा लेके पीछे भागते थे भाई, आगे आगे भागता था, मस्त लाइफ थी. अब तो साला किसी के घर के आगे टट्टी भी कर दो फिर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा. इन हरामखोरों को कोई बताए भाई कुत्ते की टट्टी से कोरोना थोड़ी फैलता है. सालो हमें मारो, हमें गालियां दो, हमें एहसास हो हम कुत्ते हैं. हमें तो लग रहा है हम कुत्ते नहीं है, इंसान ज्यादा कुत्ते हो गए हैं. एक कुत्ता बेचारा रो रो के बोल रहा है, मेरी तो लाइफ बहुत खराब हो गई है, मैं अच्छा भला सूखी रोटी खा लेता था, ये चड्डा जी की वाइफ ने मुझे बिस्कुट डाल के पार्ले जी खाने की आदत डाल दी. अब मैं लॉकडाउन में एक दिन पार्ले जी मांगने गया तो आगे से इतनी इतनी मोटी गाली निकाली मुझे, बोली हरामखोर हमें खाना खाने को नहीं मिल रहा, तुझे बिस्कुट की पड़ी है. यार बड़ा शाही फील हुआ, पर अंदर से खुशी भी हुई कि बहुत दिनों बाद लॉकडाउन में पतली औरत ने इतनी मोटी गाली निकाली है. लॉकडाउन में मैंने देखा शहर में हाथियों के झुंड आए हो. असल में वो आए नहीं, वो बेचारे डिप्रेस थे, डिप्रेशन दूर करने के लिए आए थे जो इन इंसानों ने दी हुई है. पहले जब गली मोहल्ले में हाथी आता था ना तो लोग बाहर निकल के झुंड बना बना के उसको देख के हंसते थे, हाथी हाथी. हाथी अंदर से परेशान हो जाता था, सालो हंसने वाली क्या बात है, व्हाट द हेल फकिंग यू पीपल आर लाफिंग ऑन मी. जिस हाथी को इंग्लिश आती होगी वैसा सोचता होगा ना. हाथी को वैसा लगता था जैसे उसका जुलूस निकल रहा है. दूसरी बेइज्जती वाली बात होती थी इन लोगों के वहम. लोगों को क्या लगता था, अपना बच्चा हाथी के नीचे से गुजारो उसकी विश पूरी हो जाएगी, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा. हाथी बड़ा परेशान होता था, चलो इसने अगर ऐसे ही डॉक्टर बन जाना है तो मेडिकल कॉलेज को खोले हुए हैं, उनको गिरा के वहां पे जंगल बना दो, कम से कम हमारे बच्चे तो वहां पे रहे. ऊपर से हाथी के नीचे से निकलने की फीस देते थे 5 रुपया. इसमें और ज्यादा बेइज्जती होती थी हाथी की. वो सोचता था सालो आजकल बैगर की भी मिनिमम फीस 10 रुपया और मेरी 5 रुपया. इसलिए हाथी आजकल मजा लेने आया हुआ है लॉकडाउन में. वो देख रहा है जो लोग झुंड बना के उसको देखते थे ना हंसते थे, अभी वही लोग कमरों में बंद होकर ऐसे मुंह लटका के उसको देख रहे हैं. बंदर भी आए हुए हैं इकट्ठे होकर शहर में, वो भी जानबूझ के टाउंट करने के लिए आए हैं. वो बोल रहे हैं सालो ऐसे जब तुम लोग हमारे पहाड़ों में आते हो ना घूमने, हमें डिस्टर्ब करते हो उधर आके, क्लिक्स करते हो, तो तब हम भी ऐसे ही छलांग लगा के अपने अपने घरों में घुस जाते हैं. एक बंदर तो बहुत दुखी होकर बोल रहा है, कहता मैं क्या बताऊं भाई, जिस पहाड़ पे मैं अपनी बंदरिया मशूक के साथ मिलता था, रोमांटिक बातें करता था, इन सालों ने पहाड़ काट के वहां पे सड़क बना दी. जब भी कोई गाड़ी तेज गति से वहां से गुजरती है ना तो मुझे ऐसे लगता है मेरा दिल फाड़ के तीर निकला. मेरी बंदरिया मशूक की कितनी यादें जुड़ी हुई थी, सब तबाह कर दी. पता नहीं किस किस की गाड़ी के टायर के साथ मेरी मशूक की यादें जुड़ी होंगी.
एक बंदर और बड़ा दुखी होकर बोला, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार मैं सड़क पे लेटकर अपनी मशहूक बंदरिया के सपने ले रहा था, तभी उधर से गाड़ी में एक प्रेमी जोड़ा आया। सालों ने अरिजीत के गाने लगाए हुए थे, अंधा दूध देखा नहीं, मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के मेरे पैर का अंगूठा तोड़ दिया। तब से सारे बंदर मुझे लंगड़ा बंदर कहके बुलाते हैं, और इसी चक्कर में मेरी बंदरिया मशूक मुझे छोड़कर किसी और बंदर के साथ सेट हो गई। एक और बंदर बोल रहा है, कहता ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये आशिक पट्ठे, ये ओयो के कस्टमर, ये जो साले मशूके लेके आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड लेके आते हैं शिमला, ये इधर आते हैं हराम खोर कमरा बुक करते हैं उधर शिमला के होटल में, रूम बुक करने के बाद इधर जंगल में आ जाते हैं, वहां पे फिर पेड़ों के पीछे छुप छुप कर संभोग क्रीड़ा करते हैं। सालों अगर जंगल में मंगल करना था तो शिमला में कमरा क्यों लिया होटल में। और बंदर यही सोच रहे हैं कि हम तो कहते हैं लॉकडाउन लगा रहे, हमारी आशिकी के स्पोर्ट्स खत्म कर दिए तुम लोगों ने, पहाड़ काट के सड़कें बना बना के, हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा रहे, कम से कम बंदरों की आशिकी पुनर्जीवित हो। अभी मच्छरों की हालत भी कुछ ऐसी है लॉकडाउन में, एक मच्छर गया इंसान का खून पी के आया, मर गया, बाद में उसका टेस्ट किया पता चला इसको कोरोना हो गया। अब सारे मच्छरों ने पंचायत बुलाई, सारे मच्छर इकट्ठे हो गए, उनका जो सरपंच मच्छर था उसने कहा, भाई देखो पंचायत का ये फैसला, आज से कोई भी इंसान का खून नहीं पिएगा, और जो भी खून पी के आया तो उसको 15 दिन के लिए अलग से क्वारंटाइन किया जाएगा। सभी मच्छर डर गए, इसी डर की वजह से कुछ मच्छर तो वेजिटेरियन बन गए, उन्होंने खून पीना छोड़कर पानी पीना शुरू कर दिया, पर कहीं थे जिनसे रहा नहीं गया क्योंकि उनके मुंह को खून लगा हुआ है। अब ऐसा ही एक मच्छर इंसान का खून पीने चला गया, आया वापस मर गया, सबने देखा देखा देखा, बोला था साले को खून पीने मत जाओ इंसान का, मर गया ना कोरोना से। अभी अचानक वो मच्छर जिंदा हो गया, सब डर के, अबे साले तू तो मर गया था। कहता भाई मैं मरा नहीं था, मैंने खुद का गला घोंट कर सुसाइड करने की कोशिश की थी पर बच गया। कहते वो क्यों सुसाइड क्यों करने की कोशिश की। कहता यार मैं इंसान का खून पीने गया था, उसका सारा खून कोरोना के डर की वजह से जम गया, पत्थर बन गया वो, यहाँ तक कि मैंने जो अपने दांत गाड़े थे ना खून पीने के लिए, वो भी मुझे उधर ही छोड़ के आने पड़े। भाई बहुत काम खराब है। कुछ दिन तो मच्छरों की ये कोरोना के खिलाफ मुहिम जारी रही, पर थोड़े दिनों के बाद कुछ मच्छरों से रहा नहीं गया, अब इंसान का खून वो पी नहीं सकते थे, तो मच्छरों में से कुछ मच्छर जोंबी मच्छर बन गए और उन्होंने अपने साथियों का खून पीना शुरू कर दिया। तो आपने फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, यहाँ पे एक कोरोना ने सभी मच्छरों को जोंबी बना दिया। तो ये जीव जंतु जानवर लोग जो शहर में आए हैं ना, ये संदेश देने आए हैं इंसानों को खास करके, कि तुम लोग अपने घरों में रहो और हमें भी अपने घरों में रहने दो उधर। जैसे तुम लोग आज हैरान होते हो ना ये शहर में जानवर देखकर, अरे शहर में जानवर आ गए, शहर में जानवर आ गए, हो सकता है उधर जानवर भी हैरान होते हो जब तुम लोग उधर जाते हो जंगल में, अबे वो देखो साले जंगल में इंसान आ गए, जंगल में इंसान आ गए। तो कुदरत का जो नियम बनाया उसको मानो, नहीं तो फिर कुदरत को मनवाना आता है।